भाई हीरा, एक सवाल है जो हमने लोगों से किया, ये जो सामने 9.5 लाख लोग बैठे हैं आपके, तो हमने इनसे एक सवाल किया, तो इन्होंने बहुत सारे जवाब दिए, तो जो 4 जवाब सबसे ज्यादा दिए लोगों ने वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो मैं आपसे वही सवाल करूंगा, वील सी कि आपका जवाब और इनका जवाब कितना मैच करता है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आप किसी से ही मशवरा ले सकती हैं और जवाब दे सकती हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। बस दो चीजों का ख्याल रखिएगा, वो क्या, फिल इन द ब्लैंक्स ना और क्रिकेटर्स पे सवाल ना। ठीक, उसके अलावा आप जो मर्जी पूछ। अच्छा सही है, चलो भाई दिखाएं भाई सवाल क्या है। सवाल ये सवाल भी इन्होंने बनाया आदि भाई ने, लड़कियों को खवातीन लड़कियों अम्मी से आमतौर पर किस बात पर सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, कि ये लाइव शो में क्या बोल के आ गई हो। अच्छा, ये भी पड़ती लड़कियों को डांट। अच्छा, आपको वैसे पड़ती है डांट? पड़ती है। हाँ पड़ती है, अभी तक पड़ती है। अभी तक पड़ती है। मार वार भी पड़ी है बचपन में? बचपन में मार पड़ी है। किस बात पे ज्यादा मार? मुझे याद है बचपन में मैं साबुन खाने का शौक था मुझे, अरे तो मैं साबुन खा रही थी, तो मेरी अम्मी ने दूर से जूठा मारा, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि मैं साबुन खाऊं, मुझे टेस्ट अच्छा लगता था। तो साबुन केचप के साथ खाती थी, बगैर केचप? नहीं ऐसे ही खा रही। अच्छा, नहीं, तो इसका मतलब बचपन में तो आप बहुत स्लिपरी होंगी फिर। खाने ही नहीं दिया उससे पहले जूठा। कितने साबुन निमटाया आपने? नहीं नहीं, खाने से पहले मार पड़ गई क्योंकि मैं खा रही थी, बट इट्स नॉट समथिंग एडिबल, आप नहीं खा सकते, तो मार पड़ गई। रोटी के साथ खाती भाई? नहीं, वो कह नहीं, पढ़ाई में बहुत मार पड़ती थी। यस, और इन्होंने बता भी दिया था भाई कि ये खुद कह रही है कि ये कोई खाने वाली चीज नहीं, तो जो देख रहा हूं ये खाने वाली चीज नहीं है, तो कोई भी ना खाए प्लीज। जरा ये सब साबुन की वजह से हो रहा है, साइड इफेक्ट। हां ठीक है, ठीक हो गया। तो आपको साबुन खाने पे आजकल किस बात पे ज्यादा डांट पड़ती है वैसे? आजकल कम पड़ती है डांट। अच्छा, हाँ ज्यादा मैं काम में बिजी होती हूँ। हाँ, कमरा साफ ना करने पे, बिकॉज मेरा रूम बहुत मैसी होता है, अनटाइडी होता है, इस बात पे बहुत डांट पड़ती है। क्या है तुमने जो है वो सही? हाँ, मैं अपना ना क्लोजेट ऑर्गेनाइज करके नहीं रखती, कपड़े इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, शूट्स के लिए निकाल रही होती हूँ बार बार कपड़े वापस डाल रही होती हूँ, तो वो मैसी हो जाता है, उस बात पे बहुत डांट पड़ती है। मेरी अम्मी देख भी रही होंगी और अभी वो कहेंगी वापस आएगी ना दोबारा डांटूंगी, इस बात पे भी डांटेंगी कि आपने क्या बताया, घर जाऊंगी डांट पड़ेगी दोबारा। अच्छा रहने देना और बताने देना। मेरे हिसाब से ये अच्छा है वैसे। क्या? सफाई ना होने पे। सफाई ना होने पे। आपको दरबक डांटती रहती होंगी जो आपकी हरकतें, आप कभी प्यार कब करती हैं आपको ये बताएं आप? मेरी अम्मी मुझे आखिरी अम्मी ने मेरा प्यार मुझे जो प्यार किया है ये मैं ये अभी 3 साल का था उसके बाद 2 साल पहले की बात है मेरे पास। आपको पता है मैं बचपन में मुझे सबसे ज्यादा जो डांट पड़ती थी ना, मैं ना खाना खाता था तब मुझे डांट पड़ती थी खाना खाने में। हाँ हाँ, क्यों? वो डस्टबिन में से निकाल के खा रहा होता था तो क्या वसीम भाई, गरीब घराने से हमारे घर में खाना नहीं होता था, हम ऐसे ही खाते थे। साबुन क्यों नहीं खाया तुमने? साबुन पड़ोसी खा रहे थे मेरे। अच्छा ये तो आप लोगों की बात हो गई, मुझे क्या पता था ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, वरना मैं जनरल पूछता। लेकिन जो आम लोग हैं जी जी नॉर्मल, जो सर्फ और साबुन नहीं खाते, हाँ इससे हट के, हाँ जो ना डस्टबिन से खा रहे हैं ना साबुन खा रहे हैं, हाँ, आम लोग, उनको आप लोगों के ख्याल में किस बात पर डांट पड़ती होगी ज्यादा? आपका क्या ख्याल है कि किस बात पे लोगों को? ये जो लड़कियां हर वक्त तैयार होती रहती हैं। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि लड़कियों को तैयार होने पे डांट पड़ती होगी कि क्या हर वक्त ये। हाँ, आपको भी इस बात पे पड़ती है वैसे? नहीं, कभी नहीं। कभी मुझे तो नहीं पड़ती, बट मुझे इतना पता है कि जो हमारे मेजॉरिटी घरानों में लड़कियों को तैयार होने पे डांट पड़ती है, ज्यादा तैयार होने पे, क्योंकि लड़कियों को शौक होता है तैयार होने का। आप आखिरी बार आप कब तैयार हुई थी? मैं तो 1 घंटा पहले। हाँ 1 घंटा पहले शो में तैयार हुई। चलो भाई, सो दिखाएं भाई ये सही जवाब है, अगर है तो दिखा दे वरना क्रॉस मार दे। ज्यादा तैयार होने पे ऐसा कुछ है कोई जवाब के? ज्यादा तैयार होने पे वही बात होगा। ओके लाता मोती है, लाता मोती पे मेकअप करने में ऐसे ही। और क्या हो सकता है? और क्या वजह हो सकती है? अच्छा हमें चारों आंसर्स देने? जी जी हाँ ना, पहला तो आपका बिल्कुल सही हो गया। ये फोन पे किससे बात कर रही हो? हाँ फोन यूज करने पे, बहुत ज्यादा फोन यूज, और घर से बहुत ज्यादा बाहर निकलने पे, या जैसे घर लेट आने पे पड़ती होगी डांट। टीवी ज्यादा देखने पे, टीवी ज्यादा देखने पे, टाइम वेस्ट हो रहा है, टीवी बहुत ज्यादा। घर से बाहर ज्यादा रहने पे, घर से बाहर ज्यादा, मतलब अगर आप किसी और के साथ रह रहे हो और घर पे कम रह रहे हो तो इस पे डांट पड़ती है अक्सर। अच्छा सही, तो जवाब क्या लॉक करें हम? ये मतलब टेलीफोन
हाँ टेलीफोन या फिर आई थिंक टेलीफोन भी कर लेते हैं, वो भी होगा इनमें। टेलीफोन आपके घर में लग रहा है कि टेलीफोन होगा इन चार, आपको लगता है होगा? ऑडियंस को भी लगता है, सबको डांट पड़ती है ज्यादा फोन इस्तेमाल करने, मतलब दिखाए भाई इसमें है टेलीफोन, ओके फोन इस्तेमाल करना। आप चाहो तो बाकी दो भी बता दो जवाब, और जो कल परसों के सवाल आते हैं वो भी बता दो, तो मैं ब्रेक ले लेता हूं। आई एम अ वेरी हेल्पफुल पर्सन एक्चुअली। अच्छा हाँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ ताकि मैं उस लिस्ट में ना हूँ जिसमें बाकी दो आ गए। घर से बाहर ज्यादा रहने पे एक जवाब शायद ये हो सकता है कि घर से बाहर ज्यादा रहने पे लड़कियों को डांट पड़ती है। घर से बाहर ज्यादा रहने पे हाँ, या घर लेट आने पे, या घर लेट के आने पे बड़ा होता है कि भाई लेट के घर क्यों आ रहे हो, खड़े खड़े लेट के घर आ रहे हो, कह रही है ना लेट के घर, लेट आने पे क्या हो गया बाहर से देर से घर आने पे। अच्छा नहीं, लेकिन ये चलो मैं आपको इतनी हेल्प करता हूँ कि ये वाला जवाब ये भी होगी रीजन, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ये रीजन नहीं बताई, नहीं बताई, एक जल्दी घर पे जा रहे हैं ना जैसे हमने पूछा है ज्यादातर लोग, और कौन हो सकता है, और खाना नहीं पकाती। हाँ खाना ना पकाती। अरे मुझे, मेरा आपके बारे में सब पता है मुझे, एक मिनट ये अम्मी तो नहीं है। आप अम्मी होगी, आपको कैसे बताया? मेरी वैसे बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं बड़े होकर माँ बनूं, लेकिन नहीं हो रहा। सिम भाई क्या पता कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता हो कि कोई आलू गोश्त बना रहे बीच में साबुन ही ना डाल दे। नहीं नहीं सर क्या हो गया, खाना ना पकाने पे भी डाल, खाना ना पकाने पे। हाँ, खाना ना पकाने या किचन में ज्यादा हेल्प ना करने पे, मतलब इट हैज लाइक सेम मीनिंग। काम नहीं कर रही घर पे, फारिक बैठी काम नहीं कर रही, लास्ट की तरह पड़ी हुई है, काम नहीं कर रही यार। इतने पर्सनल ना हो क्या वैसे जनरली। क्या कामरान कुछ कह रहे हैं? कामरान भाई मैं मैरिज का नहीं ले सकता। कामरान भाई आप एक काम करो, आप कल के शो में ही आना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी कुल जो हमारी कम्युनिटी वो बदनाम हो। कामरान भाई प्रेडिक्शन में ही बोलेंगे आज। तो आप कह रहे हैं घर के काम ना करने ना करने पे, दिखाएं भाई है मतलब ये नहीं किचन या घर का काम या इस तरह का कोई है और घर का काम ना करना। अब चौथा वाला जो है ना ये बासु भाई नहीं नहीं लाइव वाला भाई। सब बचे हुए। अच्छा अपनी अपनी इज्जत अपने अपने हाथ में रखें और जो बुला रहे। मेरी इतनी मुश्किल है कि मैंने तो बोलना ही है, मैं तो आज आप सारे मुझे डरे डरे क्यों लग रहे हैं? भाई दुपट्टा ना ओढ़ने पे, दुपट्टा ना ओढ़ने पे नहीं इसमें ज्यादा ये सोने तो नॉर्मल सोने पे, सोने का बहुत अच्छा है ये, सोने पे मतलब गोल्ड। ये लड़कियों पे भी नहीं रहता, ये सबके लिए है कि लेट सोता है, देर तक सोती है या जो भी, सम टाइम मेरी बेटी को डांट पड़ती है के इस बार आपने देखा है लेट के सुबह सुबह जल्दी ना उठने पे, जल्दी ना उठने पे भी डांट पड़ेगी। हाँ, वो लेट सोएंगे तो आप तो लेट उठेंगे ना, लेट उठेंगे। जो सो रहे लेट रहे हैं फिर उठेगा भी लेट, नमाज ना पढ़ने पे। ऑप्शन तो बहुत सारे होंगे ना, लेकिन हम देखते हैं कि मेरे ख्याल से सोना ज्यादा बेहतर है, महंगा भी हो गया। स्लीपिंग की बात हो रही है।